ये जो सोशलाइजिंग है लोगों के घर में आना जाना, इसको आप किस हद तक उचित मानती हैं? अच्छा, सोशल तो होना चाहिए क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर भी जीवित रहता है। समाज के काम आना, समाज की हेल्प करना, समाज में रहना है। जब तक हमारी जिंदगी तक समाज में रहना है तो आने आने में कोई बुराई नहीं है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन अपने विचार अच्छे रखने चाहिए, अपनी समझ अच्छी रखनी चाहिए और कभी किसी के बारे में गलत ना सोचिए। जितनी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी गरीब की, किसी अनाथ की, किसी अनपढ़ की, जो भी आप हेल्प कर सकते हैं, तन से मन से धन से आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। उसका भी भला होगा उसमें, आपको भी कहीं ना कहीं उसका भला अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जब औरतें खासतौर से घूमती फिरती हैं, घरों में आती जाती हैं, तो वो काफ़ी उल्टा पुल्टा करती हैं, और इसी तरह से परिवार में जब सास नंदे जिठानियाँ दरानियाँ तो आती जाती हैं, तो काफ़ी कचरा फैलाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये सब उनके विचारों पर डिपेंड करता है। आप किसी से मिलकर अच्छी बात भी कर सकते हैं, बुरी भी कर सकते हैं। आप किसी बुराई ना करें, किसी अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, किसी को अच्छी समझ दे सकते हैं। आप किसी को मतलब कोई गलत है, भटक रहा है, तो आप उसकी राह दिखला सकते हैं। आप ये तो आपकी आत्मा की आवाज़ है कि आप उसको गलत राह दे सकती हैं, अच्छी राह दे सकते हैं। आप अकेले रहने को कितना उचित समझते हैं? अकेले रहना मतलब कि भाई आप ज़्यादातर वक्त अपने काम में गुजारती हैं, फॉर एग्जांपल कि आप जो है ना नौकरानी ना रखें, ठीक है, और अपने घर के काम करें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, एक मिनट, और परिवार की तरफ ध्यान दें, और पढ़ाई लिखाई करें जैसे आप करती हैं, अच्छी किताबें पढ़ती हैं और अच्छे विचार बनाती हैं। अगर सभी लोग ऐसा करें बजाय इसके कि जो हो रहा है कि भी नौकर रखे और सहेली के घर भागे या किसी पार्टी में भागी, तो वो टाइम वेस्ट करना, पैसे वेस्ट करना है ना वो सब। तो अब इसको कैसे रोका जाए? पार्टी में जाकर जो आप पैसे वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी फैशन अपने कपड़े दिखाने के लिए आते हैं, आप उस शो दिखाने को अगर न करें और आप उस पैसे को किसी अच्छी जगह यूज कर सकते हैं। अब जैसे जैसे उदाहरण के लिए करवा चौथ है, कल अब करवा चौथ का जो व्रत आपने किया और फिर उसके बाद शाम को आप रात को तोड़ेंगी चंद्रमा देख कर, तो अब ये इसके लिए जो पंजाबियों ने प्रथा बनाई है कि भाई यहाँ बाग में बैठ कर सर धज के आती हैं अपने ये सब इकट्ठा जो है दिखावा, तो ये दिखावा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल के युग जो है दिखावे का हो गया है। लोग हर चीज को दिखाते हैं कि हमारे पास ये है, इतने कपड़े हैं, इतने गहने हैं, इतना पैसा है, ये हमारी इमेज है, इतना हमारे पास प्लॉट है, इतना ये सब है, तो वो दिखावा जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं समझते ऐसा कि उसके ये दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग, अगर हम लोग इन गैदरिंग को ज्वाइन नहीं करें, नहीं करें तो और धीरे धीरे करके औरों को भी अवेयरनेस डालें। या किसी का आप जिसकी बात कर रही हैं उनका समाज ही ऐसा है। इस समाज को अगर हम तोड़े, अगर हम दो चार लोग, पांच छह लोग धीरे धीरे करके, अकेला चलना इस हार को नहीं तोड़ सकता, तो हम लोग अकेले दो चार लोग ये सब नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग सभी मतलब मिलकर बड़ी संख्या में लोग कोशिश करें तभी संभव, क्योंकि राजस्थान है या हरियाणा है, पंजाबी है या यूपी है, सबकी अलग अलग प्रथाएं होती है। अब तो ये मीडिया भी लगा हुआ है इन सब चीजों को प्रचार करने के लिए, तो आप बताइए आप कैसे करता है कि आप उसको अपने घर में आराम से सिंपल रूप में भी कर सकते हैं। तो अगर जब आप सिंपल रूप से अपने घर में करते हैं तो आपके जो बाहर के लोग हैं वो सोचते हैं आपके बेवकूफ है, सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या पता कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कितना प्यार है, ज्ञान है, भावना है हमारी, क्या है क्या पता। वो सिर्फ बस आप जो बाहर के आरोप होते हैं उसमें जाते हैं। तो अब ये आप कैसे पता लगा पाएंगे? शुक्र है कि मैं आपके साथ बाई चांस बैठ गई और मैंने आपसे थोड़ी सी बात की तो मुझे लगा कि आपके अंदर कुछ तत्व है। अभी इन अज्ञानियों को आपने पता लगाया, वैसे ही थोड़ी सी बात की से मालूम पड़ जाता है। तो आप इन अज्ञानी को कैसे बताएंगे कि भाई तुम अज्ञानी हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए? उनकी वेशभूषा से, उनकी आवाज़ से, उनकी बात करने के तरीके से, उनके रहन सहन के तरीके से पता लग जाता है कि ये किस टाइप के लोग हैं। जैसे आपने मुझे बता लिया, वैसे लोगों को उनकी आवाज़ से, उनकी बातों से पहचान सकते हैं कि किस टाइप के लोग हैं, क्या पसंद करते हैं और ये इनके अंदर कितना ज्ञान है, ये क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते। तो अगर हम आज का जो जमाना है, हम सब बहुत दुखी भी हैं और परेशान भी हैं, इसमें रहते हैं ना हम लोग, आप भी महसूस करती होंगी कि भाई हाँ तो सभी हैं, समस्याएं सभी के साथ होती हैं, तो और ये जो लोग हैं अज्ञानी, ये काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी में हैं और बढ़ती चली जा रही है ये मेजोरिटी, तो इसका कोई उपाय आपने सोचा है क्या?
साथ तो कोई उपाय मैंने नहीं सोचा, क्योंकि ये तो हम लोग अपने आप प्रयास ही कर सकते हैं कि हम अपने आप का डिसिप्लिन अपने ऊपर करें खुद. हमारा अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर डिसिप्लिन होना चाहिए. हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें इतना समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इतना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा उपयोग करें, लोगों को समझाएं. तो वो लोग कर सकते हैं, जिनकी समझ ये है कि हमें घूमना फिरना है और शो दिखाना, तो वो लोग कैटवर्क की तरह से घूमेंगे फिरेंगे करेंगे. तो ये अपनी अपनी समझ. थैंक यू सो मच.